किया गया है, ये चौथा बजट है मोदी सरकार का। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे में क्या घोषणाएं की गई हैं। तो रेलवे की अगर बात करें तो रेल संरक्षा के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। साथ ही 2020 तक मानव रहित क्रॉसिंग पूरी तरह से खत्म की जाएगी। इसके अलावा रेल सेफ्टी के लिए 1,31,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, प्रावधान रखा गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हाल में ही कुछ रेल दुर्घटनाएं हुई थी जिस पर सरकार की काफ़ी आलोचनाएं हुई थी, तो इसको देखते हुए जो है ये सेफ्टी रेलवे सेफ्टी फंड जो है वो बढ़ाया गया है। साथ ही स्टेशनों के विकास के लिए 25 नए स्टेशनों का चयन किया गया है। इसके अलावा रेलवे की साफ सफाई के लिए सुरक्षा पर जोर दिया गया है। 3500 किलोमीटर नई रेल लाइन बनेगी। साथ ही 7000 स्टेशनों पर सोलर लाइनें, IRCTC से ई टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान बनाया जाएगा। साथ ही 2019 तक बायो टॉयलेट बनाए जाएंगे। इसके अलावा शेयर बाज़ार में IRCTC बतौर कंपनी अपनी लिस्ट होगी। जो IRCTC है वो शेयर बाज़ार में बतौर कंपनी लिस्ट होगी अब। इसके अलावा मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी। टूरिज्म और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना लाई जाएगी। जिस तरह की आपकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, थोड़ा परेशानी होती है, कुछ भी ट्रेन में आपको परेशानी होती है, तो कोच मित्र बनाए जाएंगे जो आपकी हर संभव सहायता करेंगे, आपकी हर संभव मदद करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ है बजट में वो आपको मैं बताता हूँ, और मैं लाइव हूँ आपसे जो क्या कुछ ऐलान हो रहे हैं वहाँ पर वो आपको बताता जा रहा हूँ। अब बात करते हैं बुनियादी ढांचे की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो PM आवास योजना में 23,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अलावा PM सड़क योजना में 2019 तक 4,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये भी आपको बता दूं कि जो ये बजट पेश किया गया है ये पूरी तरीके से किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पेश किया गया है। और इसका असर पूरा देखा जा रहा है कि डीमोनिटाइजेशन का जो असर लोगों पर पड़ा था उस पर एक तरीके का ये मरहम है। ये आम आदमी का बजट माना जा रहा है। इस पर जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि मिडिल क्लास के लिए जो 3,00,000 तक की आय है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और बुनियादी ढांचे में क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 तक 1 करोड़ घर दिए जाएंगे। ये भी एक राहत देने वाली, आम आदमी को राहत देने वाली, गरीब तबके को राहत देने वाली बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 तक 1 करोड़ घर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगले साल 1 मई तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। हालांकि ये देश को आज़ाद हुए काफ़ी वक्त हो गया, बिजली भी देश में आए हुए काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी गांव कुछ ऐसे हैं जहां पर बिजली ही नहीं है, लोग बिजली को तरस रहे हैं। और आज भी ये मुद्दा बना हुआ है, आज भी ये समस्या बनी हुई है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती हमारे लिए। तो 1 मई तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी, ये घोषणा की गई है, ये वादा किया गया है इस बजट में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए 3.96 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। PPP मॉडल से छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अब ये एक बड़ा ऐलान माना जा सकता है, लेकिन इस पर कितना अमल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि PPP मॉडल के तहत एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुनियादी ढांचे की बात करी अभी हमने, अब हम बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसानों को राहत देने वाला बजट। तो किसानों के लिए क्या कुछ है इससे भी आपको रूबरू कराते हैं। किसानों को 10,00,000 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। 10,00,000 करोड़ का कर्ज, अभी हालिया अभी इससे पहले भी ऐलान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए, कि जो कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो उन पर असर पड़ा था तो उन्होंने किसानों का बकाया कर्ज माफ़ किया था। अब ये नया ऐलान आया है कि किसानों को 10,00,000 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को कर्ज देने वाली संस्था का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। और उसके अलावा 2017-18 में कृषि विकास दर, ये कहना है वित्त मंत्री का कहना है कि 2017-2018 में कृषि विकास दर 4.1 रहने का अनुमान है। फसल बीमा 30 की बजाय 40% होगी। फसल बीमा के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान रहेगा। किसानों की आय 5 साल में दुगनी करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा मनरेगा के तहत इस साल का अब तक सबसे अधिक आवंटन किया गया है। ये सरकार का कहना है कि मनरेगा में अभी तक इतना पैसा नहीं दिया गया है, लेकिन इस बजट में मनरेगा को काफ़ी पैसा दिया जा रहा है। और गांव की तरक्की और बुनियादी ढांचे पर भी सरकार जोर दे रही है। और 10,00,000 तालाबों का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। जैसा कि तालाब ख़त्म हो रहे हैं गांवों में, बड़ी समस्या है ये भी, तालाब ख़त्म होने की, अवैध कब्जे कर लेते हैं लोग और तालाबों पर घर बना लेते हैं या ज़मीन जोतने लायक बना लेते हैं।
तालाब होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है अब 10 लाख तालाबों का लक्ष्य पूरा करें, 10 लाख तालाब बनाए जाएंगे। साथ ही 8000 करोड़ का डेयरी विकास कोष भी तय किया गया है, 5000 करोड़ सिंचाई फंड के लिए दी जाएंगे। जैसा कि तमाम जो योजनाएँ हैं वो आप जो देख रहे हैं, जो वो पूरी तरीके से किसानों के लिए, किसानों को देखकर ही पूरा बजट, आम आदमी को देखकर पूरा बजट, ये एक बहुत खुशी की बात है। इसको हम कह सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन का जो असर पड़ा था लोगों पर, आम आदमी पर पड़ा था, किसानों पर पड़ा था, अब उस पर मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है, और ये अच्छी बात है कि इसका सीधे सीधे आम आदमी और किसान पर फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अभी मैंने बात की आपसे कि इसको बुनियादी ढांचे की, किसानों की, अब बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी की। नोटबंदी की अगर बात करें तो नोटबंदी को सरकार ने ऐतिहासिक कदम बताया है, जैसा कि आज नया कुछ नहीं बताया है, इससे पहले भी उन्होंने जो है शुरू से ही ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं और उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इस बजट में भी इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। और उनका सरकार का कहना है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर, माना है सरकार ने कि असर हुआ है, लेकिन इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी, नोटबंदी से पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि सरकार ने ये माना है कि आम लोगों का को इसका असर पड़ा है, लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन भविष्य को देखते हुए इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी। दूसरी चीज़, और भ्रष्टाचार कम होगा। अब आने वाला ये तो वक्त बताएगा कि भ्रष्टाचार कितना कम होता है या इन 3 महीनों में कितना कम हो गया, लेकिन जो सरकार का कहना है वो उसका कहना ये है कि भ्रष्टाचार कम होगा। साथ ही सरकार ने भी ये नहीं बताया है कि इन 3 महीने में कितना परसेंट भ्रष्टाचार कम हुआ। सरकार का कहना है कि भविष्य में ये भ्रष्टाचार कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी, और इसका सीधा फायदा देश को होगा। आगे बढ़ते हैं नोटबंदी के मसले पर। तो नोटबंदी के चलते बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आया है, सरकार का कहना, और से बैंक कर्ज सस्ते कर सकते हैं। सकने वाली बात आ जाती है यहाँ पर एक बार फिर, कि जहाँ सकना हो जाता है वहाँ का कोई भविष्य नहीं होता कि ये कब होगा, लेकिन सरकार की ये घोषणा हुई है कि सकते हैं। इसके अलावा नोटबंदी के घरेलू विकास में, नोटबंदी से घरेलू विकास में तेज़ी आएगी, तो ये तमाम नोटबंदी के फायदे गिनाए हैं यहाँ पर सरकार ने, कि इस क्योंकि अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा नोटबंदी का ही पिछले 3 महीनों पर लोगों पर असर पड़ा है, और इस पर मरहम लगाने के लिए सरकार ने इस बजट में बहुत ज़्यादा कोशिश की है, हर संभव कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए बताते हैं कि और क्या है बजट में। अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के लिए सरकार ने 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत सरकार करेगी, और ये बजट में रखा गया है। साथ ही स्किल इंडिया के लिए 1000 कौशल केंद्र खोले जाएंगे। पहले से ही नरेंद्र मोदी सरकार ने ये तय कर लिया था कौशल केंद्र खोलने की, और उसके तहत जो है 1000 जो है नए कौशल केंद्र खोले जाएंगे। IIT और मेडिकल परीक्षाओं के लिए अलग से बॉडी बनेगी, जो ये परीक्षाएं होती थी अब इनकी अलग से बॉडी बनाई जाएगी। शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है, जो एक नेशनलाइज एजुकेशन होती है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, और एक ही तरीके की परीक्षा होगी, वो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही उच्च शिक्षा में सुधार के लिए UGC में सुधार होगा, ये भी एक अच्छी चीज़ आप कह सकते हैं कि UGC में सुधार होगा। काफ़ी दिन से ये बात चल रही थी कि UGC में सुधार किया जाए, और इस पर अब सरकार ने भी अपना एक प्रस्ताव रखा है। इसके जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि लाइव जो बजट चल रहा है हमारा, जो सरकार पेश कर रही है, मोदी सरकार चौथा बजट पेश कर रही है, उसको मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और जो मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी राहत है वो ये है कि 3 लाख पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको एक एक कर बताता रहूँगा, देखते रहिए DB Live। और जो मिडिल क्लास, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में मिडिल क्लास को राहत मिलती दिख रही है, किसानों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और ये पूरा जैसा कि चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था कि बजट में इस तरह की कोई घोषणा नहीं होनी चाहिए। चुनाव से जो संबंधित राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर, इन राज्यों के लिए कोई भी ऐसी स्पेशली घोषणा नहीं होनी चाहिए जो चुनाव आचार संहिता को प्रभावित करे। तो इसको देखते हुए जो है ये बजट तैयार किया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका पूरा असर चुनावी है। भले ही ये चुनावी है, लेकिन इसका सीधा फायदा, सबसे खुशी की बात यह है कि इसका फायदा आम आदमी को मिल रहा है। ये बजट आम आदमी का है, ये बजट किसानों का है, ये बजट जो है रोजगार परक है। अब आगे देखना होगा कि इसका इन सब लोगों को कितना फायदा होता है। लाइव के लिए आप सारी बजट की खबरों के लाइव के लिए आप मुझे देखते रहिए DB Live पर। मिलते हैं थोड़े ही देर में।
तो इन तमाम जानकारी के साथ आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ।